भीलवाड़ा जिले के मोतीपुर का खेड़ा स्थित श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान में गुरुवार को विश्व कैंसर दिवस पर मैं हूं मैं रहूंगा की थीम को लेकर विविध आयोजन किए गए। आश्रम परिसर में लोगों को कैंसर के दुष्परिणामों के बारे में जागरूक करने के लिए रैली निकाली गई। इस संबंध में सभी को शपथ भी दिलाई गई। कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों को आश्रम की ओर से आयुष्मान भव पुस्तक का वितरण भी किया गया। संस्थान के संस्थापक हंसराज चौधरी ने कहा कि 1933 में अंतर्राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण संघ ने जिनेवा में पहली बार विश्व कैंसर दिवस मनाया था। चौधरी ने कहा कि कैंसर अब लाइलाज बीमारी नहीं है। यदि कैंसर का समय पर पता चल जाए और समय पर सही इलाज शुरू हो जाए तो कैंसर पूरी तरह से ठीक हो सकता है। उन्होंने कहा कि नवग्रह आश्रम की ओर से कैंसर सहित अन्य रोगों के उपचार के लिए रिसर्च टीम की ओर से शोध करके आयुर्वेद व औषधीय पौधों के माध्यम से उपचार किया जा रहा है, जिसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आ रहे हैं। चौधरी ने कहा, जब भी किसी परिवार में कोई कैंसर का मरीज होता है तो पूरे परिवार पर इसका असर पड़ता है। उन्होंने कहा कि नवग्रह आश्रम कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इसकी रोकथाम, पहचान और उपचार को प्रोत्साहित करने के लिए इस क्षेत्र में हमेशा काम करता रहता है। यह एक विलक्षण पहल है जिसके तहत वैश्विक कैंसर महामारी के खिलाफ लड़ाई में पूरी दुनिया एकजुट हो सकती है। भारत में लगभग 12 करोड़ लोग धूम्रपान करते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारत विश्व में सबसे अधिक धूम्रपान करने वालों में विश्व का 12% हिस्सा है। भारत में तंबाकू के कारण हर वर्ष 1 करोड़ से अधिक लोगों की मृत्यु हो जाती है। संस्थान हमेशा समुदाय के समग्र विकास पर विश्वास करता है और जरूरतों को पूरा करने के लिए रणनीतियों की योजना बनाता है तथा जरूरतमंदों को मौखिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता है और आउटरीच कार्यक्रमों के माध्यम से समुदाय को इस क्षेत्र में जागरूकता प्रदान करता है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भीलवाड़ा के सहायक आयुक्त मनफुल सिंह चौधरी ने कहा कि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका नाम सुनते ही लोगों में भय पैदा हो जाता है। यह एक ऐसी जानलेवा और गंभीर बीमारी है जिससे सबसे ज्यादा लोगों की मृत्यु होती है। स्वयं परिवार मतलब 1933 में 33 में स्विट्जरलैंड और बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां कैंसर बहुत खतरनाक तरीके से उस जमाने में, अब अभी क्या चल रहा है 21 है ना, तो 21 और वो 33 मतलब यानी कि कैंसर आजकल की बीमारी नहीं है, मतलब कैंसर पुरानी बीमारी है। जो लोग पहले ज्यादा एडवांस हो गए उनको पहले हो गया और जो लोग अपन अभी भारत वाले लोग ठीक ठाक है, मतलब उतना ज्यादा गंदगी नहीं है तो अपने में भी कम है और उन लोगों में बहुत ज्यादा है, परंतु अब तो अपन भी अब खूब आगे बढ़े। मतलब जहां बिल्कुल कैंसर नहीं होना था, मैं कुछ कैंसर की अच्छी तरह की जानकारी देना चाहता हूं आप लोगों को, जो आपको आश्चर्य होगा आज विश्व कैंसर दिवस के उपलक्ष्य में। नंबर एक, विश्व कैंसर दिवस 2021 पर मैं हंसराज चौधरी, संस्थापक श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान मोतीबोर का खेड़ा रायला भीलवाड़ा राजस्थान की ओर से आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि आप कैंसर के प्रति जागरूक रहें, सात्विक भोजन करें, तंबाकू शराब और मांसाहार से दूर रहें और कम से कम केमिकल के उपयोग में आई हुई फसलें और सब्जियां काम में लें। निश्चित रूप से कैंसर हारेगा, मानवता जीतेगी। मित्रों, श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान पर कैंसर रोग का बहुत विश्वसनीय इलाज है, आइए और हमें सेवा का अवसर दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।